आना चाहिए ताकि आप अगर कोड कहीं लिखा हो तो उसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो ऊपर द लैंग्वेज तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखे थे, उसमें भी हमने काफ़ी एक जगह। सवाल है सर, ये शुरू करने से पहले हाँ जी सर, ये कुछ वेबसाइट वगैरह जो होती है पाइथन या इस तरह के वो यूज़ करते हैं, तो वो भी पीएचपी पे बेस्ड हुए होते हैं या वो अलग से होते हैं? वेबसाइट्स यूज़ करती हैं, पाइथन यूज़ करती हैं, तो पाइथन अगर यूज़ करती हैं तो पाइथन के अपने फ्रेमवर्क्स हैं। जब आप पीएचपी लैंग्वेज के अंदर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं तो फिर उसकी एक्सटेंशन डॉट पीएचपी होती है, ठीक है, डॉट सर पीएचपी ये एक्सटेंशन। आई गेस मैं मौत कहना चाह रहा है कि .py की अगर कोई स्क्रिप्ट पड़ी है, अगर हमने वो चलानी है तो PHP के फ्रेमवर्क से वो रन हो सकती है। इसके अंदर हाँ जी बिल्कुल हो सकती है उसमें, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने किसी स्क्रिप्ट को रन करना है तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, अगर आपने API के थ्रू किसी फंक्शन को कॉल करना है दैट्स अ सेपरेट थिंग, तो पॉसिबल है। तो बेसिकली जो APIs होती हैं उनका सर ये मकसद स्क्रिप्ट होता है। को रन करना है टोटल, क्योंकि सर जो वो है ना, फॉर एग्जांपल किसी ने पाइथन में वो बना ली वेबसाइट वगैरह ना, जो सर्वर साइड जो कोडिंग है वो पाइथन में कर दी, तो जब ये होस्ट के लिए दे रहा होगा किसी और का सर्वर यूज करने, तो उसको ये पाइथन का अलग से वो स्पेशल सर्वर ढूंढना पड़ेगा, क्या हिसाब होगा इसका? नहीं, होस्टिंग होस्टिंग तो होस्टिंग के लिए तो फॉर एग्जांपल जो सर्विसेज आप जिससे भी लेंगे ना, फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोफेशनल होस्टिंग सर्विसेज ले रहे हैं आप, तो वहाँ पे आपको उसको बताना पड़ेगा कि मुझे अपनी वेब एप्लीकेशन के लिए ये सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, ठीक है, कि आपको पाइथन का फॉर एग्जाम्पल जो इंटरप्रेटर है वो रिक्वायर्ड है, एक अपाची रिक्वायर्ड है, और एक फॉर एग्जाम्पल अगर आपका MySQL बेस्ड डाटाबेस है तो वो रिक्वायर्ड है। इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, वो एक फ्री होस्टिंग वेबसाइट है, उसका मुझे नाम जिन से निकल गया, मैंने वो सेमेस्टर जो गाइडलाइंस है उसके अंदर लिखा है उसका। सर ये ऐसे भी हो जाता है, वेब से भी की हुई है मैंने ना पाइथन की वेबसाइट रन, और अपाची तो अपाची पे भी हो जाती है, इन सब पे हो जाती है। हाँ, होस्टिंग करना एक सेपरेट चीज़ होती है और उसके अंदर कोड को एग्जीक्यूट करना एक सेपरेट चीज़ होती है। होस्टिंग तो अपाची सर्वर तो हर एक, अगर आप पाइथन का आपके पास सॉफ्टवेयर पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन है तो वो भी अपाची पे होस्ट हो जाएगी, PHP बेस्ड है वो भी हो जाएगी, नोड की एप्लीकेशन भी हो जाएगी, लेकिन अगर आपने उसके अंदर जो कोड है उसका इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना है तो वो दैट्स अ सेपरेट थिंग, सर उसके लिए मैं आपका। उस तरह पूछ रहा हूँ कि जो पाइथन का है उसके लिए पीएचपी बिल्कुल भी अगर ना हो, हाँ पाइथन जी बेस्ड हो, तो अगर पीएचपी अगर इस तरह का कोड लिखा हो जिसमें पीएचपी यूज ना हुआ हो, तो पीएचपी का इंटरप्रेटर भी नहीं चाहिए होगा ना? नहीं नहीं। चाहिए, नहीं चाहिए उसमें आपको फिर अच्छा पाइथन का सही सर, इंटरप्रेटर यही चाहिए, ठीक बस सर है। यही सवाल था। अच्छा, और जब भी आप प्रोफेशनल वेब होस्टिंग की सर्विसेज लेते हैं ना तो आपसे पूछते हैं कि आपकी वेब एप्लीकेशन किस में है, अपाची तो होता ही होता है, वो तो होस्टिंग के लिए है ना, लेकिन उसके अंदर जो बेसिकली लैंग्वेजेस है ना उसके इंटरप्रेटर भी रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो अगर आपकी पाइथन में वेब एप्लीकेशन है तो फिर वो पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल करेंगे रादर देन के PHP का इंटरप्रेटर इंस्टॉल करेंगे, तो ये इस सेंस में है, ठीक है, होपफुली समझ आ गया, ठीक है। यस सर, ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, सॉरी आपको कट ऑफ कर, चलो जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमने लारवेल यूज़ करना है या हम लैम्प स्टैक में मतलब स्क्रिप्ट के लिए बैकएंड पे थोड़ी सी स्क्रिप्ट लिख दे, पूरा लारवेल का जो है वो यूज़ करना है बैकएंड? ये जब मैंने इसकी एक इंट्रोडक्शन दी थी एक लेक्चर के अंदर, आप उस लेक्चर के अंदर थे, सर शायद वो पार्ट मिस कर दिया, लेकिन मैं बीच में होऊंगा सर। हाँ, तो वो अगर पार्ट अगर आपने मिस कर दिया तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग्स भी देखा करें, क्योंकि सॉरी अगर सर, हाँ तो इसका मैं जस्ट समराइज आपको कर दूं कि आपका जो इंटरफेसेस हैं दैट आर इन द बूटस्ट्रैप, ठीक है, जो वैलिडेशन पार्ट है दैट इज इन द जावास्क्रिप्ट, स्टाइलिंग इज स्टाइलिंग और HTML बेसिकली दैट इज इन द बूटस्ट्रैप, फिर जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन पार्ट, और जो सर्वर साइड है दैट इज इन द लारावेल फ्रेमवर्क, ठीक है, जस्ट टू समराइज इट अगेन। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि आपने मस्ट करनी है, अपने पास नोट डाउन कर, ठीक ओके सर, है। तो सिंपल PHP स्क्रिप्ट राइट, उसको होस्ट कर देना पार्टी पे, दैट इज नॉट एनी। सो लेट्स स्टार्ट बाई लुकिंग एट द
ऊपर जो है पीएचपी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना, इसका आपको एक जनरल आइडिया है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके पास क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है, और फिर स्टैटिक मेथड्स, एक्सेस मॉडिफायर्स, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। सो इन दिस लेक्चर वी विल क्विकली गो थ्रू द सेट ऑफ स्लाइड्स बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट व्हाट इज पीएचपी ऊ, ठीक है। तो ये इसमें PHP OOP is very much like the flavor of the OOP that you have seen in the Java as well. So the basic building block of the OOP in any of the language is the class. Basically, जब तक आप classes ना बनाएं तो आप objects उसके create नहीं कर सकते। जब objects नहीं create कर सकते तो आपकी जो object oriented programming का concept है that cannot be implemented, ठीक है। So classes and objects, these are interrelated terms. First you create classes, ठीक है, then after defining the functionality within the classes you create objects, and then using the object you call the methods from within the classes, and likewise it goes on, ठीक है। And then there are two more terms related to the OOP. First one is the constructor and second one is the destructor. So whenever you create basically object of the class, so you basically call the constructor. तो कुछ आपके पास constructor होते हैं जो कि built in constructor होते हैं, meaning that empty विद नो आर्गूमेंट्स, लेकिन आप कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गूमेंट्स भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर एट द बैक एंड उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार की एग्जाम्पल लें तो कार बेसिकली एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो जब आप इसकी क्लास क्रिएट करेंगे, उस क्लास के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है दो प्रॉपर्टीज हों, कलर और मॉडल। तो आपने अगर फॉर एग्जाम्पल C1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू कार, ठीक है। तो एट द बैक एंड क्या होगा कि उसका कलर और मॉडल को कंस्ट्रक्टर उसकी वैल्यूज को सेट कर देगा। इन द फ्यूचर यू कैन बेसिकली गेट। इसी तरह आप सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू कार, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली आप वैल्यूज को पास करेंगे। फॉर एग्जांपल, दिस इज C1 इज अ टोयोटा कार विद द कलर ग्रीन, ठीक है, या मॉडल जो भी आप राइट करें। C2 इज द होंडा कार विद द कलर रेड, लाइक वाइज, ठीक है। जितने आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाएंगे, कंस्ट्रक्टर उतनी दफ़ा कॉल होता जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज एट द बैक एंड सेट करेगा। वाइल द डिस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन दैट इज यूज फॉर द गार्बेज कलेक्शन। आपने सी के अंदर सुना होगा एक टर्म, गार्बेज कलेक्शन ना। गार्बेज कलेक्शन बेसिकली ऐसा मैकेनिज्म है दैट इज यूज टू फ्री द मेमरी, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे होते हैं दे आर बेसिकली इन द मेमरी। तो जो ही आप डिस्ट्रक्टर का फंक्शन कॉल करेंगे, तो जिस बेसिकली ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जाम्पल मेमरी से रिमूव कर देगा, ठीक है। सो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ गार्बेज कलेक्शन। देन द फोर्थ टॉपिक इज द एक्सेस मॉडिफायर्स। सो यू वेरी वेल नो मैनी एक्सेस मॉडिफायर्स, थ्री ऑफ देम आर द प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ठीक है। एंड देन विद इन वेन देर आर क्लासेज देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस एज वेल, क्योंकि जब आप ऊप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो कुछ आपके पास जेनेरिक क्लासेज होती हैं जो कि किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जनरल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रही होती हैं। फिर कुछ ऐसी क्लासेज होती हैं विच आर चाइल्ड क्लासेज और इनहेरिटेड क्लासेज, विच बेसिकली इनहेरिट द पेरेंट क्लासेज एंड डिफाइन देयर ओन फंक्शन और प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, एंड दिस इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच रिलेटेड टू द एक्सेस मॉडिफायर्स एज वेल, क्योंकि एक्सेस मॉडिफायर्स ही डिफाइन करते हैं कि आपके इनहेरिटेड क्लास में किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या मेथड की कितनी एक्सेस है, ठीक है। तो अगर आप पब्लिक करेंगे तो बेसिकली इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द इनहेरिटेड क्लास और इवन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास एज वेल। अगर आप प्रोटेक्टेड सेट कर देंगे सो योर प्रॉपर्टी और मेथड इज ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम द इनहेरिटेड क्लास, नॉट आउटसाइड द इनहेरिटेड क्लास। अगर आप प्राइवेट करेंगे सो देन बेसिकली योर मेथड और प्रॉपर्टी इज ओनली एक्सेसिबल इन द पेरेंट क्लास जिसके अंदर आपने डिफाइन किया, इट इज़ नॉट एक्सेसिबल फ्राम द इनहेरिटेड क्लास। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो देर आर इंटर रिलेटेड एज वेल। देन देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैथड ओवर राइडिंग। सो यू माइट हैव हर्ड इन द ऊप दे आर टू कॉन्सेप्ट, ओवरलोडिंग एंड ओवर राइडिंग, ठीक है। तो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जिसमें आप फंक्शन नेम दोनों में सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है फन, ठीक है, पेरेंट क्लास के अंदर, और एक आपके पास फन नेम का फंक्शन है चाइल्ड क्लास के अंदर। तो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दोनों कॉन्सेप्ट्स में फंक्शन नेम्स आपके पास सेम ही होते हैं,
लेकिन ओवरलोडिंग के कंटेक्स्ट में नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल पेरेंट के अंदर कोई अगर मेथड है उसके अंदर एक आर्गुमेंट है तो चाइल्ड क्लास के अंदर दो आर्गुमेंट्स होंगे, ठीक है। लेकिन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट ये होता है कि आपके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी सिमिलर होंगे, ठीक है। तो यू माइट बी थिंकिंग व्हाट इज द यूज ऑफ दैट इनहेरिटेड क्लास देन, ठीक है, या ओवरराइडिंग मेथड का कंसेप्ट यूज किस तरह होता है। सो इट इज पॉसिबल कि आपने कोई एक पेरेंट क्लास क्रिएट की हो और एक चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास के अंदर आपने ओवरराइडन मेथड डिफाइन किया, ठीक है। उस ओवरराइडन मेथड को जब आप कॉल करेंगे विद बाय क्रिएटिंग द इंस्टेंस या इंस्टेंशिएट करेंगे चाइल्ड क्लास को, तो फॉर एग्जांपल आपने एक सी वन क्रिएट किया जो कि न्यू सी, सी जो आपकी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है। तो जब आप बेसिकली ओवरराइडन मेथड को एक्सेस करेंगे इस कंटेक्स्ट में सी वन डॉट एनी ऑफ द मेथड, then that particular method which is overridden in the inherited class will be accessed, not the parent one, ठीक है। तो overloading में आपके पास थोड़ा सा difference होता है, function names दोनों में same होते हैं overloading और overriding में, लेकिन overloading में आपके पास number of arguments different हो सकते हैं in the parent and child, लेकिन overriding में आपके पास name भी same होता है और methods का और arguments भी same होते हैं। so it depends कि आप किस object के साथ call कर रहे हैं, जिस object के साथ call करेंगे उसी basically class का मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऐसे द काइंड ऑफ क्लासेस बेसिकली विच कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कौन से मेथड्स होते हैं? दोज मेथड्स विच डज नॉट कंटेन द इम्प्लीमेंटेशन, जिनके अंदर डेफिनेशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई फंक्शन क्रिएट करूँ जिससे मैंने फन क्रिएट किया, ठीक है, और इसके मैं ब्रेसिस दोनों ब्रेसेस लगा दूं लेकिन इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट राइट ना करूं, तो इससे पहले मैं अगर एब्स्ट्रैक्ट लगा दूंगा तो दिस मींस दैट इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कि जिसका एक स्केलेटन तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है या डेफिनेशन नहीं है। तो ऐसी क्लासेज जिनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स हों उनको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज करते हैं। तो जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज को इनहेरिट करते हैं तो फिर इनहेरिटेड क्लासेज में इन क्लासेज की डेफिनेशन राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं तो हर एक क्लास अपने लिहाज से उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन राइट करेगी डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीएचपी ट्रेट्स। तो जो पीएचपी है इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है। व्हाट डज दिस मीन? कि आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो क्लासेज हैं ए और बी, ठीक है, आपने एक नई सी क्लास क्रिएट की क्लास सी, ठीक है, एक्सटेंड्स जो आप इनहेरिटेंस के लिए यूज करते हैं एक्सटेंड्स ए कॉमा बी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि आप किसी एक क्लास के अंदर दो पेरेंट क्लासेस को इनहेरिट कर लें। सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन द पीएचपी, और जावा में भी ये पॉसिबल नहीं है, सी में है, ठीक है। सो टू अवॉइड द बेसिकली टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम कि जो अराइज होता है ड्यू टू द लैक ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीएचपी ट्रेड्स। तो पीएचपी ट्रेड्स क्या है? पीएचपी ट्रेड्स ये है कि आप ब्लॉक ऑफ कोड्स को बेसिकली ट्रेड्स, ट्रेड एक कीवर्ड है पीएचपी के अंदर, ट्रेड के अंदर डिफाइन कर सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। फॉर एग्जांपल आप किसी भी मेथड को इसके अंदर कोई मेथड डिफाइन कर दें, ठीक है, ट्रेड वन के अंदर, इस तरह ट्रेड टू के अंदर, तो फिर आप ट्रेड्स को, मल्टीपल ट्रेड्स को यूज़ कर सकते हैं इन अ सिंगल क्लास। क्लास सी के अंदर दो ट्रेड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इन दैट कंटेक्स्ट बेसिकली व्हाट विल हैपन कि आपकी जो प्रॉब्लम अराइज हुई थी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द मल्टीपल इनहेरिटेंस, दैट कैन बी ओवरकम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। एंड देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक मेथड्स। सो स्टैटिक मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं विच यू कैन कॉल विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ स्टैटिक मेथड्स हैं विद इन अ क्लास, तो आप उसको किस तरह एक्सेस करेंगे? विद द क्लास नेम सी, आपके पास डबल कॉलन, उसके बाद मेथड नेम जो कि आपका स्टैटिक मेथड होगा। तो स्टैटिक मेथड किस हम डिफाइन करते हैं? स्टैटिक कीवर्ड के अंदर। तो क्लासेस के अंदर आप स्टैटिक मेथड्स डिफाइन करते हैं, देन यू कैन एक्सेस दो स्टैटिक मेथड्स विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एग्जैक्टली बाय गिविंग द क्लास नेम, ठीक है। तो आप कोई भी मेथड कॉल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इस डबल कॉलन को पीएचपी में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। अगर आप इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देख लें, then there is a concept of PHP namespaces. Namespaces are very important, ठीक है, कि they are used to structure the code. तो last time हमने जब lab की थी तो उसके अंदर मैंने आपको
डिफरेंट पीएचपी फाइल्स के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, व्यूज के अंदर, राउट्स के अंदर दिखाया था कि फॉर एग्जांपल आप नेम स्पेसेस क्रिएट भी कर सकते हैं और नेम स्पेसेस को यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप नेम स्पेस क्रिएट किस तरह करेंगे, नेम स्पेस कीवर्ड के साथ, ठीक है, और जब आप यूज़ करेंगे तो फिर यूज़ का कीवर्ड यूज़ करेंगे फॉर यूजिंग दोज ऑलरेडी क्रिएटेड नेम स्पेस। ठीक है, तो आपको रफली एक आइडिया हो गया चीज़ों का। सो लेट्स स्टार्ट विद डिटेल, हम थोड़ी सी इसके एग्जांपल्स देखेंगे क्विकली और फिर आगे मूव करेंगे। तो बेसिकली अगर आप एक जनरल कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, ठीक है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स अगर आप इस टर्मिनोलॉजी को जाके विकिपीडिया में देखें ना, सो देयर आर मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। आपने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का सुना होगा, ठीक है, फिर आपके पास ये एक ऊप एक सेपरेट पैराडाइम है प्रोग्रामिंग का। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल आप में से किसी ने प्रोलॉग में काम किया हो या मैट लैब में काम किया हो, तो उनके जो प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स हैं या जिसमें जिस तरह उसने प्रोग्राम लिखा जाता है, दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो बेसिकली इन सारे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को आप क्लासीफाई कर सकते हैं विद इन द प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स कैटेगरी, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स में आपके पास एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है जो कि आप जानते हैं, और सेकंड ऊप, ठीक है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आप बेसिकली फंक्शंस राइट करते हैं, ठीक है, क्लासेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आपके पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, आप फंक्शंस के अंदर डाटा को अपने प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करते हैं। वाइल इन द केस ऑफ द ऊप बेसिकली यू हैव गॉट द क्लासेज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, तो यही इसमें डिस्क्राइब किया गया। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स और फंक्शंस, व्हाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन बोथ डेटा एंड फंक्शंस, ठीक है। तो इसका व्हाई वी नीड ऊप बेसिकली वन ऑफ द रीजन इज डोंट रिपीट योर सेल्फ ना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास एक मेन क्लास होती है, पेरेंट क्लास, उसके बाद उसकी चाइल्ड क्लासेज हम क्रिएट करते हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स विच आर कॉमन अमंग द चाइल्ड क्लासेज, फॉर एग्जाम्पल दोनों C1 और C2 के दरमियान कॉमन है, वी प्लेस दोज मैथड्स और दोज प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन अमंग बोथ ऑफ द क्लासेज, वी प्लेस दैम इन साइड द पेरेंट क्लास, ठीक है। तो फिर चाइल्ड क्लास के अंदर हम जस्ट उन्हें रीयूज कर रहे होते हैं। सो इन अ वे बेसिकली ऊप जो है आपके कोड जो रिपीटिशन है उसको भी अवॉइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट इट अलाउज यू टू मेनटेन योर कोड, मॉडिफाई योर कोड एंड डिबग योर कोड ईजिली, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी ये इसके एडवांटेज हैं या आप खुद भी दे सकते हो। सो एज पार्ट ऑफ द ऊप बेसिकली PHP के अंदर PHP 5 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था, बिफोर दैट देर वॉज नो ऑप्शन फॉर ऊप प्रोग्रामिंग इन द PHP। और अभी आपके पास जो रिसेंट वर्जन है PHP का, दैट इज PHP 8। तो आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स किस तरह क्रिएट करते हैं, इन द PHP देर इज अ की वर्ड नोन एज क्लास। तो मैं आपको जो ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आप के लिए है, आप इसको रीड करें और नीचे वाले एग्जाम्पल को समझ लें, ठीक है। तो ये नीचे जो एग्जाम्पल है इसमें देखें, हमने क्लास क्रिएट की है विद इन द टैग्स, जो आपके पास PHP के टैग्स हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स, इनके दरमियान मैंने क्लास क्रिएट की यूजिंग द क्लास कीवर्ड, एंड आफ्टर द नेम क्लास कीवर्ड देयर इज द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है। और क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है ब्रेसेस के साथ और यहाँ पे जाके आपके पास एंड हो रही है। बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ब्रेसेस देयर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मैथड्स, तो आपके पास दो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, नेम एंड कलर ऑफ द फ्रूट, और फिर दो आपके पास मैथड्स हैं, सेट नेम एंड गेट नेम, ठीक है। तो बेसिकली दीज टू प्रॉपर्टीज सेट नेम और गेट नेम आर यूज टू गेट एंड सेट द प्रॉपर्टी वैल्यूज फॉर एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसका जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि हमने नीचे किया हुआ है, एप्पल इज इक्वल टू न्यू फ्रूट, इस तरह बनाना इज इक्वल टू न्यू फ्रूट, और फिर एप्पल सेट नेम, हम इस प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे विद द वैल्यू। तो बेसिकली वो दिस कीवर्ड को यूज़ करते हुए इसके नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट कर देगी इन मेमोरी। इसी तरह बनाना सेट नेम, तो एक सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए सेट नेम का मेथड कॉल हो जाएगा। तो एट द बैक एंड ये जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यूज को सेट कर रही है, ठीक है। फिर लेटर ऑन यूजिंग द एको स्टेटमेंट वी हैव जस्ट डिस्प्लेड इट्स वैल्यूज, तो एप्पल ऑफ गेट नेम बेसिकली जो आपने सेट नेम से वैल्यू सेट की थी उसको डिस्प्ले कर देगा, और बनाना डॉट गेट नेम, बनाना ऑफ गेट नेम से आप उसकी वैल्यू को, बनाना की जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे। तो राइट साइड के आपके पास दोनों वैल्यू डिस्प्ले है, ठीक है। तो जब आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं ना, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसके अंदर जो मेथड्स हैं उनको एक्सेस करने का तरीका डिफरेंट है।
फॉर एग्जाम्पल कुछ लैंग्वेज में इस तरह जब आपने ये एप्पल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फ्रूट का ना, तो कुछ लैंग्वेजेस में जब आपने इससे फ्रूट जो क्लास है इसके अंदर जो मेथड्स डिस्क्राइब हैं वो आप इस तरह करते हैं एप्पल डॉट फॉर एग्जांपल नॉट पीएचपी, कुछ लैंग्वेज में आपके पास डॉट होता है लेकिन जो पीएचपी है इसमें आपके पास थिन एरो है, ठीक है थिन एरो, फॉर एग्जांपल डैश एंड एरो, इससे आप मेथड्स को कॉल करते हैं सेट नेम एंड गेट नेम, ठीक है इस चीज़ को इसका थोड़ा सेंटेक्स आपने देख लेना, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम करते हैं तो आप बेसिकली यही वाला सिंटैक्स यूज करते हैं जो कि आपका थिन एरो वाला सिंटैक्स होता है, ठीक है। देन विद द पीएचपी देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर एज वेल लाइक मेनी अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और कंस्ट्रक्टर पीएचपी के अंदर जो उसका सिंटैक्स है दैट इज बाय डिफॉल्ट डबल अंडरस्कोर और फिर कंस्ट्रक्ट कीवर्ड, ठीक है। तो कुछ जो क्लासेस हैं फॉर एग्जांपल कुछ जो लैंग्वेजेस हैं जावा जिसमें कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट करते हैं विद द नेम ऑफ द क्लास, आपको याद होगा ना जो कंस्ट्रक्टर बेसिकली जो कंस्ट्रक्ट कीवर्ड नहीं होता मोस्ट प्रॉब्ली उसमें उसमें नेम ऑफ द क्लास ही होता है मेरे ख्याल में फ्रूट, और उसके अंदर आप कंस्ट्रक्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन पीएचपी में डबल अंडरस्कोर और कंस्ट्रक्ट का कीवर्ड है और उसके अंदर आप जितने भी पैरामीटर हैं वो रिसीव करते हैं, उसके बाद जब आप कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर देते हैं तो आपके पास जो सेट सेट नेम जो प्रॉपर्टी थी ना लास्ट स्लाइड में हमने देखी थी उसकी ज़रूरत नहीं आती, क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ही उस के अंदर वैल्यू पास कर देते हैं और वो उस वैल्यू को सेट कर देता है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है उस प्रॉपर्टी की, यू डोंट हैव टू कॉल अ सेपरेट सेट नेम मेथड लाइक वी हैव सीन इन द लास्ट स्लाइड, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में जब आपने एप्पल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसके अंदर ही एक पैरामीटर पास कर दिया लाइक दिस वन, तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा इसके अंदर वैल्यू को सेट कर देगा, later on you can get the name using the get name method which is given below, theek hai so hopefully you got an idea sir ye browser by default php supported hote hain nahi nahi browser by default nahi hote isliye to php ka interpreter install kiya hai, theek hai to ye aapka jo code hota hai na php, theek hai ye jo aapka php ka code hota hai ye kiske andar enclosed hai dekhen upar aapki html hai na, ये देखिए डॉग टाइप एच टी एम एल और फिर एच टी एम एल और बॉडी, उसके बाद लिखा हुआ है लेस देन क्वेश्चन मार्क पी एच पी और फिर नीचे जाके एक टैग लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन साइन, ठीक है। दीज आर द प्री एच पी डेलिमिटर्स, इनको पी एच पी डेलिमिटर्स कहते हैं कि आपके बेसिकली जो पी एच पी का कोड होगा ना आपके वेब पेज के अंदर दैट वुड बी प्लेस्ड विद इन दीज टैग्स, ठीक है। अब जब आप इसके अंदर टैग के अंदर प्लेस कर देते हैं ना, जब फॉर एग्जाम्पल आपका अपाची सर्वर आपकी वेब पेज को लोड करता है तो एट द बैक एंड जब वो बेसिकली इस चीज़ को देखता है तो ये रेफर कर देता है टूवर्ड्स पी एच पी इंटरप्रेटर, कि पी एच पी इंटरप्रेटर जो है ना इस पी एच पी कोड को इंटरप्रेट करके मुझे बताए, ठीक है। जब आप पी एच पी कोड को इसको इंटरप्रेट कर लेता है वो फॉर कॉलिंग बाई कॉलिंग बेसिकली ऑल दीज मैथड एंड फंक्शन, तो फिर उसका रिजल्टेंट जनरेट करता है। रिजल्ट जनरेट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक्ो स्टेटमेंट है ना, तो एट द एंड एक्ो स्टेटमेंट की जो वैल्यू होगी वो सेंड कर देगा, तो यहाँ पे वो जस्ट एप्पल सेंड कर देगा। तो अगर फॉर एग्जांपल हाँ जी मुझे आवाज आपकी नहीं आ रही सर, फॉर एग्जांपल यूजर ने ये ब्राउजर जो आपने वो बनाया है कोड लिखा है, फॉर एग्जांपल यूजर ने ये वेब पेज रिक्वेस्ट की तो उसको ये पीएचपी कोड भी साथ डिलीवर होगा? पीएचपी कोड डिलीवर होता है थ्रू पी एच पी इंटरप्रेटर, इंटरप्रेट होने के बाद डिलीवर होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ब्राउजर को समझ ही नहीं आएगी, वो उसको एज इट इज डिस्प्ले कर देगा ना। तो ये कोड सारा एग्जीक्यूट होगा इंटरप्रेटर पे अलॉन्ग विद द क्लास और प्रॉपर्टीज और फंक्शन, लेकिन सिर्फ जो एक्को स्टेटमेंट की वैल्यू होगी ना वो रिटर्न होगी टू द ब्राउजर, जो कि आपको राइट साइड पर नजर भी आ रही है एप्पल, ठीक है। तो ब्राउजर सिर्फ या एच टी एम एल टैग्स को या सी एस एस को या जावास्क्रिप्ट को समझता है या उसके अलावा वैल्यूज़ को समझता है, वो बेसिकली ये एक्को स्टेटमेंट या डॉलर साइन एप्पल जो आपने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट इस चीज़ सर जो ये लिखा हुआ है ये फ्रेमवर्क खुद इसको एग्जीक्यूट करके फिर इसके रिजल्ट के रिजल्ट इसको डिलीवर करेगा व्यू को? जी सर, जो व्यू पार्ट ये फ्रेमवर्क एग्जीक्यूट करके जो व्यू पोर्शन ये डिलीवर करेगा? हाँ, व्यू पार्ट को ये डाटा सेंड कर देगा एप्पल, ठीक है। तो व्यू जो है वो
व्यू के अंदर HTML होती है ना, लारावेल फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ, इस एग्जांपल की नहीं बात कर रहा, तो उसमें जो व्यू होगा उसके अंदर हो सकता है कोई H1 टैग हो जिसके अंदर ये जो बेसिकली सेंट वैल्यू है एप्पल, ये डिस्प्ले हो जाए, तो वो वेरिएबल होगा कोई, फॉर एग्जांपल नेम, तो उस नेम को इस तरह H1 के अंदर डिस्प्ले कर देगा, तो आपको हेडिंग H1 में एप्पल लिखा हुआ नजर आओगे, तो व्यू को सेंड कर, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट इज अ डिस्ट्रक्टर पार्ट। डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रक्टेड और द स्क्रिप्ट इज स्टॉप्ड और एग्जिटेड, ठीक है। तो जो फंक्शनलिटी डिस्ट्रक्टर की है, दैट इज टोटली ऑपोजिट टू द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है और ये बेसिकली ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं या उसको उनकी वैल्यू को डिलीट करता है, ठीक है। तो जो नीचे जो आपके पास एग्जाम्पल है, और कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड बाई डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट कीवर्ड, वाइल द डिस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड बाय डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट कीवर्ड, ठीक है। तो आपके पास ये नीचे एग्जाम्पल है, इसमें वही फ्रूट की क्लास है और दो प्रॉपर्टीज हैं, फिर आपके पास एक कंस्ट्रक्टर है दिस वन, और फिर आपके पास एक डिस्ट्रक्ट कीवर्ड है दिस वन, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट के अंदर जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कॉपी, ठीक है। और उसके बाद आपको डिस्ट्रक्ट को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जो डिस्ट्रक्ट का मेथड है ना, दिस वुड बी कॉल्ड एट द एंड ऑफ ऑल द ऑपरेशन। तो आपने जस्ट ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया ना, नथिंग एल्स, तो एट द एंड ये डिस्ट्रक्ट का मेथड जो है खुद ब खुद कॉल होगा, और इसकी जो दिस नेम की प्रॉपर्टी के क्रॉस जो इसकी वैल्यू है, इसको डिस्ट्रक्ट कर देगा। पहले डिस्प्ले करेगा इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को, द फ्रूट इज एप्पल, देन बेसिकली इट विल डिस्ट्रक्ट दिस ऑब्जेक्ट। तो उसके साथ सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनकी वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो यू माइट बी आस्किंग कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रक्ट का जो मेथड है, इसके बाद यहाँ पे विद इन द क्लास कोई और मेथड लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल गेट नेम, और उसके अंदर वैल्यू को डिस्प्ले कर दूँ, एको दिस डॉट फॉर एग्जाम्पल नेम, यू माइट बी थिंकिंग कि ये फिर क्या सिनेरियो होगा ना। सो इन दिस सिनेरियो एज वेल, वो क्या करेगा, पहले गेट नेम के मेथड को कॉल करेगा एट द एंड, तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ठीक है, इस चीज़ को आपने देखना है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर कि इसके बाद और भी फंक्शनैलिटी हो, और भी मेथड्स हों, प्रॉपर्टीज हों इन द क्लास, लेकिन जब तक वो सारे के सारे एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे, आपका डिस्ट्रक्ट का मेथड कॉल नहीं होगा। तो खुद ब खुद वो ट्रैक रखता है, जब आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद वो बेसिकली इस मेथड को कॉल करके उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है सर। हाँ जी सर, ये तो मल्टीपल क्लासेस होंगे जब रियल टाइम PHP कोड होगा, तो जब PHP कोड टर्मिनेट होगा तो जितने भी ऑब्जेक्ट बने सारों के डिस्ट्रक्टर कॉल होंगे, अगर आपने कॉल किया होगा फिर होंगे, क्योंकि तो मल्टीपल क्लासेस होंगे और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। हाँ, तो आपने बेसिकली सारों के अंदर, हर एक क्लास के अंदर डिस्ट्रक्ट का फंक्शन अगर प्लेस किया होगा, तो फिर उसके क्रॉस सारी फॉर एग्जाम्पल गार्बेज कलेक्शन का मैकेनिज्म है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपकी मेमोरी के अंदर वो प्रेजेंट रहेगा। तो आपको उस हर एक क्लास के अंदर वेदर दैट इज, ठीक है, डिस्ट्रक्ट का जो मेथड है वो कॉल करना। नेक्स्ट इज द PHP एक्सेस मॉडिफायर्स। तो PHP एक्सेस मॉडिफायर्स, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, देयर आर थ्री ऑफ देम, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, ठीक है। सो द पब्लिक प्रॉपर्टी और मेथड, तो आपके पास क्लास के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, या आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस तरह ये नीचे आपके पास नेम, कलर, वेट लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर आपके पास मेथड्स होते हैं, जिस तरह हमने सेट नेम और गेट नेम, या कंस्ट्रक्टर मेथड है या डिस्ट्रक्टर मेथड है, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टीज और मेथड दोनों के साथ पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप पब्लिक यूज़ करेंगे किसी भी मेथड और प्रॉपर्टी के साथ, सो इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एवरीवेयर, दिस इज डिफॉल्ट, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है, तो इसको आप विद इन द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं, इनहेरिटेड क्लासेस के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, या क्लासेस के बाहर जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जब आप प्रोटेक्टेड करेंगे तो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी और मेथड कैन बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास एंड बाय द क्लास डिराइव्ड फ्रॉम द क्लास। इसमें बेसिकली डिराइव्ड क्लास या इनहेरिटेड क्लास के अंदर ये ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी एक्सेस होगी, प्रॉपर्टी और मेथड सॉरी, या विद इन द सेम क्लास जिसके अंदर डिफाइन किया, लेकिन आउटसाइड द क्लासेस एक्सेसिबल नहीं होगा। जब आप प्राइवेट करेंगे तो दिस मीन्स इट इज़ ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम द क्लास वेयर इट इज डिफाइंड, ठीक है, इनहेरिटेड क्लास के अंदर भी एक्सेस नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको पहले ही आई है। नीचे जो एग्जाम्पल है ना, इसके अंदर हमने तीन प्रॉपर्टीज क्रिएट की हैं, नेम, कलर एंड वेट, ठीक है।
अब नीचे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंगो विच इज ऑफ द क्लास फ्रूट, और मैंगो की प्रॉपर्टीज हमने सेट की है नेम कलर एंड वेट विच आर मैंगो येलो एंड 300. लेकिन जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी नेम है दैट इज ओनली पब्लिक व्हाइल द रेस्ट ऑफ द टू प्रॉपर्टीज आर प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट. तो आपकी ये प्रोटेक्टेड और प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं या मेथड्स होते हैं दे आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. ठीक है, तो इसलिए जो कलर और वेट की प्रॉपर्टी जब आप सेट करेंगे दे विल जनरेट एन एरर विच यू कैन सी ऑन द राइट साइड. ठीक है, जबकि नेम की प्रॉपर्टी जो है दैट विल बी सेट अकॉर्डिंगली क्योंकि वो पब्लिक है. ठीक है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना. इसी तरह इस एग्जांपल में ये मेथड्स के साथ एक्सेस मॉडिफाइज को यूज़ किया हुआ, तो आपके पास क्लास वही है फ्रूट, इसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज हैं नेम कलर वेट, दो फंक्शंस हैं और तीनों प्रॉपर्टीज आपके पास पब्लिक हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज तीनों पब्लिक हैं. मेथड जो है सेट नेम सेट कलर एंड सेट वेट. ठीक है, जब आप मेंशन नहीं करेंगे सेट नेम के साथ आपने मेंशन नहीं किया एक्सेस मॉडिफायर तो इट विल बी पब्लिक बाय डिफॉल्ट. जबकि आपका सेट कलर और सेट वेट जो है दे आर प्रोटेक्टेड इन प्राइवेट रिस्पेक्टिवली. नीचे आपने क्या किया, नीचे आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मेथड्स कॉल किए थ्री ऑफ देम बारी बारी. फर्स्ट आपने सेट नेम कॉल किया, सेकंड सेट कलर एंड थर्ड सेट वेट. सेट नेम जो था बिकॉज इट वॉज पब्लिक बाई डिफॉल्ट तो ये एग्जीक्यूट हो गया, जबकि रेस्ट ऑफ द टू मेथड्स को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर जनरेट होगा बिकॉज दे आर नॉट पब्लिक. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस मॉडिफाइज इन द मेथड्स. ठीक है, नेक्स्ट इज द इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्योंकि काफ़ी दफ़ा आपने इसमें पढ़ा हुआ है तो ये भी आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है जब आप चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं बाई एक्सटेंडिंग द पेरेंट क्लास. ठीक है, तो नीचे जो आपके पास एग्जांपल है इसमें वही फ्रूट की क्लास है जो कि हमने रिसेंटली देखी थी. इसके अंदर टू प्रॉपर्टीज हैं आपके पास नेम एंड कलर, देन देर इज अ पब्लिक कंस्ट्रक्टर. ठीक है, और उसके बाद एक पब्लिक फंक्शन है इंट्रो. बट डाउन बिलो यू हैव क्रिएटेड अनदर क्लास स्ट्रॉबेरी एंड इन दिस क्लास बेसिकली यू हैव एक्सटेंडेड द पेरेंट क्लास विच इज फ्रूट. तो जब आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. आई थिंक जावा में भी एक्सटेंड का की वर्ड ही यूज होता है फॉर द इनहेरिटेंस पर्पजेस. ठीक है, तो इस एक्सटेंडेड क्लास के अंदर भी आप उसी तरह फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल अब ये इसके अंदर जो आपने फंक्शन डिफाइन किया दिस फंक्शन वॉज नॉट अवेलेबल इन द पेरेंट क्लास, दिस फंक्शन इज पब्लिक फंक्शन मैसेज. ठीक है, लेकिन जो पब्लिक या प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज या मैथड्स हैं इन द पेरेंट क्लास दे आर ऑल्सो एक्सेसिबल विद इन द चाइल्ड क्लास. ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट हमने एक ही फंक्शन क्रिएट किया, लेकिन नीचे जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑफ द स्ट्रॉबेरी क्लास तो स्ट्रॉबेरी क्लास के अंदर जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमने दो इसके अंदर आर्गूमेंट्स पास किए. तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी अवेलेबल है इन द चाइल्ड क्लास, जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास का एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट हो जाएंगी. उसके बाद आपने स्ट्रॉबेरी ऑफ मैसेज कॉल किया तो आपका जो चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड है ये कॉल होगा, और स्ट्रॉबेरी ऑफ इंट्रो कॉल किया तो आपके जो पेरेंट क्लास के अंदर बेसिकली इंट्रो का मेथड है दैट वुड बी कॉल. ठीक है, जब आपकी प्रॉपर्टीज या मेथड्स पब्लिक होते हैं या प्राइवेट होते हैं सो दे आर बेसिकली अवेलेबल, दे कैन बी एक्सेस्ड इन द इनहेरिटेड क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस. ठीक है, इस चीज़ को आपने समझ लेना. ये भी बेसिकली उसी की एग्जांपल है, इनहेरिटेंस इज अ प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर. मैंने आपको लास्ट लाइन में बताया था कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों एक्सेसिबल होते हैं, तो इसको इसके अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया इंट्रो का ना. ठीक है, तो इंट्रो के फंक्शन जो है वो चाइल्ड क्लास के अंदर अवेलेबल होगा लेकिन जो आउटसाइड द चाइल्ड क्लास है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने नीचे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद द कंस्ट्रक्टर, उसके बाद मैसेज फंक्शन कॉल किया, फिर आपने स्ट्रॉबेरी ऑफ इंट्रो डिफाइन की. ठीक है, क्योंकि आप आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर रहे हैं इसलिए ये एक्सेसिबल नहीं है, अगर आप विद इन द क्लास उसको एक्सेस करते तो ये एक्सेसिबल होता. ठीक है, तो दिस इज द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर. देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इन ओवरराइडिंग. ठीक है, तो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली आपका फंक्शन नेम शुड बी सेम अलॉन्ग विद द सेम नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था. तो इसमें आपके पास एक क्लास है फ्रूट विच इज दिस वन. ठीक है,
इसके बाद आपने स्ट्रॉबेरी की क्लास क्रिएट की और उसमें फ्रूट को एक्सटेंड किया। अब इसमें आपने कंस्ट्रक्टर को भी ओवरराइड कर दिया और जो इसका इंट्रो मेथड है उसको भी ओवरराइड किया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को रादर ओवरलोड किया है, लेकिन इंट्रो मेथड जो है उसको ओवरराइड किया। तो आपके पास जो मेन क्लास थी उसमें कंस्ट्रक्टर था विद टू आर्गूमेंट्स, जो आपकी स्ट्रॉबेरी क्लास है इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर है दैट इज़ विद द थ्री आर्गूमेंट्स, ठीक है। तो दिस इज अ सेपरेट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद जो आपके पास पेरेंट क्लास थी उसके अंदर फंक्शन था पब्लिक फंक्शन इंट्रो, जो आपकी चाइल्ड क्लास है उसके अंदर भी एक फंक्शन है पब्लिक फंक्शन इंट्रो। सो दिस बेसिकली इंट्रो फंक्शन इज द ओवररिडन मेथड ऑफ द मेथड डिफाइंड विद इन द पेरेंट क्लास, ठीक है। तो जब आप नीचे स्ट्रॉबेरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके विद रिस्पेक्ट टू दैट बेसिकली आप इंट्रो का मेथड कॉल करेंगे, तो आपका जो चाइल्ड क्लास के अंदर इंट्रो का मेथड है दैट वुड बी कॉल्ड एंड नॉट द पेरेंट वन, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना। सो पेरेंट मेथड जो पेरेंट के अंदर डिफाइंड है वो आपका कॉल नहीं होगा, बल्कि जो चाइल्ड क्लास के अंदर इंट्रो का मेथड है वो कॉल होगा। दैट्स वाई इन द राइट साइड यू कैन सी इन द आउटपुट एज वेल एज बेसिकली कॉल्ड द स्टेटमेंट या एको स्टेटमेंट जो है आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइन द फ्रूट इज दिस नेम द कलर इज दिस कलर एंड द वेट इज दिस वेट, ठीक है। इसके बाद आपके पास फाइनल का कीवर्ड है। फाइनल का कीवर्ड आप उस वक्त यूज करते हैं व्हेन यू हैव टू प्रिवेंट द क्लास इनहेरिटेंस और टू प्रिवेंट द मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो नॉर्मली जब आपने किसी भी क्लास को प्रिवेंट करना हो फ्रॉम द इनहेरिटेंस देन यू यूज द फाइनल कीवर्ड बिफोर द कीवर्ड क्लास। तो नीचे जो लेफ्ट साइड पे एग्जांपल है इसमें हमने एग्जांपल में देख लें आप कि फाइनल क्लास फ्रूट, सो दिस मींस दैट दिस फ्रूट क्लास इज नॉट इनहेरिटेबल। इफ़ यू ट्राई टू एक्सटेंड दिस क्लास फ्रूट देन देयर विल बी एन एरर, ठीक है। तो नीचे आपने क्लास स्ट्रॉबेरी क्रिएट की है एंड यू हैव एक्सटेंडेड द फ्रूट क्लास, एज अ रिजल्ट जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे इट विल जनरेट एन एरर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। क्योंकि डिफॉल्ट एरर होगा बिकॉज दिस फ्रूट क्लास हैज बीन सेट एज विद द फाइनल कीवर्ड मींस दैट इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ठीक है। इस तरह नीचे आपके पास जो एग्जांपल है इसमें मेथड के से पहले हमने फाइनल का कीवर्ड यूज किया, मीनिंग दैट दिस मेथड इज नॉट इनहेरिटेबल, ठीक है, अवेलेबल नहीं है विद इन द चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे आपने फ्रूट क्लास क्रिएट किया उसके अंदर मेथड यूज किया विद द कीवर्ड फाइनल बिफोर द मेथड नेम फाइनल पब्लिक फंक्शन। जब आप चाइल्ड क्लास के अंदर इसको ओवरराइड करने की कोशिश करेंगे ना मेथड को पब्लिक फंक्शन इंट्रो, तो इट विल क्रिएट एन एरर, कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड फ्रूट इंट्रो इन दिस क्लास, ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपने फाइनल का कीवर्ड यूज कर लिया। होपफुली कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको, समझ आ रही है चीज़ें? यस सर, आ रही है, ठीक है। तो ये अगर ना भी आए तो आप इसके ऑनलाइन देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसके बाद क्लाउड ऑपरेशंस की तरफ जाना है जो कि हमारा बेसिक आज का टास्क है विच वी आर ऑलरेडी क्वाइट लेट। तो उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास बेसिकली जिसके अंदर एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मैथड हो, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट मैथड कौन सा मैथड होता है? एब्स्ट्रैक्ट मैथड इज अ काइंड ऑफ मैथड विच डज नॉट कंटेन एनी डेफिनेशन, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफाइन करने के लिए विद इन द पीएचपी यू हैव गॉट अ कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट आप कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे रूल्स लिखे हुए हैं या आप इसको देख लें, मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज और मैथड्स किस होंगे। सो इन दिस स्लाइड बेसिकली वी हैव प्लेस द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट बिफोर द क्लास कीवर्ड क्लास, ठीक है। ये हमने क्यों प्लेस किया? क्योंकि इसके अंदर जो मेथड्स हैं दे आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका नेम है कार। इसके अंदर दो एक पब्लिक बेसिकली प्रॉपर्टी है नेम, फिर आपके पास एक कंस्ट्रक्टर है विद द पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। फिर आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन है इंट्रो विद द रिटर्न टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, विद द रिटर्न टाइप ऑफ स्ट्रिंग। अब आप इसमें देखें कि इसके अंदर इसकी डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ आपने फंक्शन का नेम स्पेसिफाई किया इंट्रो और उसका रिटर्न टाइप स्पेसिफाई किया, ठीक है। और इससे पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ किया। अब जब आप इस क्लास को जो कि क्लास आपकी कार है इसको जब एक्सटेंड करेंगे देन इन ईच ऑफ द डिराइव्ड क्लास बेसिकली यू कैन स्पेसिफाई द
डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. तो आपने एक क्लास क्रिएट की ऑडी और सेकंड आपने क्लास क्रिएट की वॉल्वो, और दोनों क्लासेस ने एक्सटेंड किया कार क्लास को. और इन दोनों क्लासेस के अंदर आपके पास जो इंट्रो का फंक्शन विच इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइंड इन द पेरेंट क्लास, उसको डिफाइन किया. तो आपने यहाँ पे पब्लिक फंक्शन इंट्रो, ठीक है, स्ट्रिंग इज अ रिटर्न टाइप, और उसके बाद रिटर्न चूज जर्मन क्वालिटी आई एम दिस नेम, ठीक है. तो ये बेसिकली जो नेम था, दिस इज बेसिकली पर्स पब्लिक प्रॉपर्टी, तो ये आपके पास चाइल्ड क्लासेस के अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है. इसी तरह जब आपने वॉल्वो के अंदर इसको डिफाइन किया एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, तो आपने पब्लिक फंक्शन इंट्रो, तो इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी के नेम को मेंशन किया, ठीक है. तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी आपके सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न से ही ओरिजिनेटेड है. ये कोड रीयूज का ही ये कॉन्सेप्ट, ठीक है. बेसिकली आपने यहाँ पे अब जो नेम प्रॉपर्टी दैट वॉज पब्लिक ना, तो आपने नेम प्रॉपर्टी हर एक चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइन नहीं की, तो जो कॉमन चीज़ें थी चाइल्ड क्लासेस के अंदर वो आपने पब्लिक डिफाइन कर दी ऊपर, पब्लिक नेम और पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है. लेकिन एक ऐसा मेथड था जिसकी डेफिनेशन दोनों क्लासेस के अंदर डिफरेंट है, सो देन बेसिकली यू हैव डिफाइंड दैट पर्टिकुलर मेथड एज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. जब आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड कर दिया, तो आपकी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो गई, और फिर एक्सटेंडेड क्लासेस के अंदर आपने इस जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको क्लास के हिसाब से वट एवर द वे यू वुड लाइक इंप्लीमेंट, उसको उसकी फंक्शन डेफिनेशन को राइट कर दिया, ठीक है. तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट हैं, ये एट द बैक एंड आपके पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न या सॉफ्टवेयर रीयूज जिसे कहते हैं, ठीक है, कोड रीयूज का कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर मैप्ड है. तो नीचे हमने जब इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और इंट्रो मेथड को कॉल किया, तो वो बेसिकली जो आपने डिफाइंड इंट्रो मेथड है इन द रिस्पेक्टिव क्लास, वो एग्जीक्यूट होगा और राइट साइड पे आपको उसकी आउटपुट भी नजर आ रही है, ठीक है. इसके अलावा जो आपके पास इंटरफेसेस होते हैं क्लासेस के अलावा, वो भी एग्जिस्ट करते हैं PHP के अंदर, ठीक है. तो जावा के अंदर आपके पास इंटरफेसेस होते थे ना, इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करते थे, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है. सर एक चीज़ बता दें कि एब्स्ट्रैक्ट बस आ गया, ठीक है, आ गया, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया बिफोर द फंक्शन नेम ना, सर मैंने आर्गुमेंट से पूछता था, वो अभी स्लाइड थी, समझ आ गया. हाँ जी, वो आप बेसिकली आर्गुमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं विच आर ऑप्शनल ना, लाजमी नहीं है कि उतने ही आर्गुमेंट्स हों जितने पेरेंट क्लास के अंदर हैं. आर्गुमेंट्स आप और ऐड कर सकते हैं. तो इसमें जो हमने डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज पढ़ी थी ना, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, तो इस क्लास में भी आपके पास एक पेरेंट क्लास है, उसके अंदर एक प्रोटेक्टेड एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है विद द प्रीफिक्स नेम, विद द नेम प्रीफिक्स नेम, ठीक है. उसके अंदर एक आर्गुमेंट है नेम का ना. जब आपने इसको एक्सटेंड किया, तो एक्सटेंडेड क्लास के अंदर आपने इसकी डेफिनेशन राइट की, दिस वन इज द डेफिनेशन. लेकिन उसके बाद नेम का पैरामीटर तो मस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आप जो फंक्शन की फॉर एग्जांपल जो फंक्शन का बेसिक कंस्ट्रक्टर से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शनल पैरामीटर और डाल सकते हैं. सो हेयर वी हैव प्लेस्ड ऑप्शनल पैरामीटर विद देयर डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है. तो यहाँ पे इसमें इफ एल्स कंडीशंस हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन के जब आप नीचे हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्लास चाइल्ड क्लास जॉन डो, तो आपका इफ कंडीशन कॉल होगी और उसमें प्रीफिक्स मिस्टर आ जाएगा, ठीक है. जब आप इसको जॉन जेन कॉल होगी जिसमें उसको प्रीपेंड कर देगा मिसिस से, एल्स जो है वो कोई भी प्रीफिक्स नहीं होगा. तो आपको राइट साइड पे आउटपुट नज़र आ रही है, इसमें लिखा हुआ डियर मिस्टर जॉन मिसिस जॉन मिस्टर मिसिस जेन डो. तो ये भी एक एग्जाम्पल है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है. देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ PHP ट्रेट्स. तो मैंने आपको बताया था कि PHP ओनली सपोर्ट्स द सिंगल इनहेरिटेंस. आप किसी भी क्लास के अंदर एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है. तो आप मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इसमें अवेलेबल नहीं है विद इन द PHP और जावा के अंदर भी नहीं है, अगर आप उसको जाकर रिव्यू कर दें. सो ऊप बेसिकली सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेट्स इन द PHP, ठीक है. तो आप किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को ट्रेड के कीवर्ड के अंदर अलॉन्ग विद द नेम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है. फिर मल्टीपल ट्रेड्स को आप एक किसी सिंगल क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ बेसिकली दिस इज द ऑल्टरनेट वे ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है. तो नीचे जो एग्जांपल है, इसमें कोड के अंदर आपने एक पहले ट्रेड डिफाइन किया मैसेज वन, जिसके अंदर एक फंक्शन है पब्लिक फंक्शन. देन यू हैव डिफाइंड अनदर ट्रेड मैसेज टू विद अनदर पब्लिक फंक्शन, ठीक है.
और फिर उसके बाद आपने क्लास क्रिएट की वेलकम। अब इसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन ये दोनों के ऊपर ट्रेट्स आपने डिफाइन किए हैं। यू कैन यूज बोथ दीज ट्रेट्स यूजिंग द यूज कीवर्ड्स एंड सेपरेटिंग देम विद द कॉमा। तो यूज मैसेज वन, ये फर्स्ट ट्रेट है आपका, कॉमा मैसेज टू, दिस इज द सेकेंड ट्रेट। ठीक है, तो अब जब आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, बाद में भी लिख सकते हैं। PHP बेसिकली इंटरप्रेटेड है, तो नॉर्मली ये होगा कि आप पहले ही लिखेंगे। ठीक है, जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं ना, उसमें आप कहीं पे भी बाद में भी लिखते हैं तो चल जाता है। जो इंटरप्रेटेड होती हैं, दे बेसिकली इंटरप्रेट लाइन बाय लाइन ना, तो इसमें ये पहले होंगे तो फिर वो उसको गेट करेगा। ठीक है, लेकिन ये अभी जो लेकिन जो अभी डिफरेंस है ना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और कंपाइल्ड लैंग्वेजेस या ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस, उसके दरमियान डिफरेंस अभी अब काफ़ी कम भी होता जा रहा है। तो ये मैंने काफ़ी ब्लॉग्स रीड किए हैं जिसमें इनिशियली बड़ा इनमें गैप होता था कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो इंटरप्रेट होती हैं तो वो एक पर्टिकुलर तरीके से होती हैं, जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस या दूसरी लैंग्वेजेस जैसे जावा है वो सारी कंपाइल्ड होती हैं डिफरेंट तरीके से होती हैं। लेकिन अब ये थोड़ा डिफरेंस कम होता जा रहा है, लेकिन इंटरप्रिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है लाइन बाई लाइन वो स्टिल एग्जिस्ट करता है, कि जो PHP का कोड है वो लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता है, जबकि जावा का जो कोड है वो एज अ होल कंपाइल होता है और फिर उसका और जो ऑब्जेक्ट कोड या जो भी एट द बैक एंड उसका कंपाइलर का तरीका होता है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो नीचे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑफ द वेलकम क्लास एंड देन यू हैव बेसिकली कॉल्ड द मेथड, क्योंकि आपने दोनों ट्रेट्स को यूज़ कर लिया विद इन द क्लास वेलकम, तो आपके पास ये दोनों मेथड जो कि पब्लिक हैं ये अवेलेबल है। ठीक है, अब इसमें जो एक्सेस मॉडिफायर्स है ना, इससे रिलेटेड आपने खुद से रीड करना है, ऊपर मैंने पॉइंट नंबर टू में मैंशन किया हुआ। ठीक है, traits can have methods and abstract methods that can be used in multiple classes and methods can have any access modifier public private or protected. theek hai, to exact ye kis tarah public private or protected kis tarah basically interpret hote hain, either they are interpreted exactly similar to the class inheritance or not. to ye thoda sa aap code write karenge to fir aapko is cheez ki samajh aa jayegi. theek hai, but this overcomes the problem of multiple inheritance. then there is a कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक मैथड्स। तो स्टैटिक मैथड्स ऐसे मैथड्स हैं जिनको आप क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यू डोंट हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेस द मैथड। नॉर्मली ये होता है कि जब भी आप किसी क्लास के अंदर मैथड या प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना होता है, यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जिस तरह हम इससे पहले एप्पल या बनाना का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते चले आए हैं ना। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी मैथड को या प्रॉपर्टी को विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट एक्सेस करना हो, देन यू कैन यूज, यू कैन डिक्लेयर दैम एज स्टैटिक। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे टू कमिंग टू एग्जांपल, स्टैटिक बेसिकली मेथड्स क्रिएट किस तरह करते हैं। तो विद इन द ग्रेटिंग क्लास डाउन यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ एक्सेस मॉडिफायर विच इज पब्लिक, सेकंड देयर इज अ कीवर्ड स्टैटिक। सो दिस बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड इज डिफाइन दैट पर्टिकुलर मैथड एज अ स्टैटिक मैथड। ठीक है, एंड देन देयर इज अ कीवर्ड फंक्शन एंड देन देयर इज अ नेम ऑफ द मैथड विच इज वेलकम। इन साइड दिस मैथड देयर इज ओनली अ सिंगल एको स्टेटमेंट, बट टू कॉल दिस मैथड वेलकम outside the class you don't need to create an object. theek hai, to aap straight away method name specify kare aur double colon jisko scope resolution operator bhi kehte hain. theek hai, scope resolution operator in the php, aur uske baad aap method name specify karenge to isse basically jo bhi is method ke andar functionality hai wo execute ho jayegi. to jo aapka laravel framework hai na, iske andar ye scope resolution operator kafi use hota hai. aapne dekha hoga last time jab hum routes create kar rahe the to aapko yaad hai route डबल कॉलन गेट, राउट डबल कॉलन पोस्ट, तो एट द बैक एंड जो बेसिकली इसमें मैकेनिज्म है मल्टीपल तरीके से आप कर सकते हैं, आप क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं लारावेल के अंदर, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम आपको याद होगा होपफुली वेब डॉट पी एच पी की जो फाइल है उसमें हमने ये एक्सेस किया था विद द क्लास नेम. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक मैथड्स. इसी तरह प्रॉपर्टीज़ को भी स्टैटिक क्रिएट करेंगे तो प्रॉपर्टीज भी एक्सेस हो सकती है. इसी तरह स्टैटिक प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि पब्लिक स्टैटिक कोई भी प्रॉपर्टी है वैल्यू, उसकी वैल्यू आपने स्पेसिफाई की तो आप विद द क्लास नेम पाए यू कैन एक्सेस इट्स वैल्यू. ठीक है, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेम स्पेस जो कि हम लास्ट टाइम बेटर समझ चुके हैं, देख चुके हैं विद द हेल्प ऑफ लारावेल फ्रेमवर्क. तो इसमें दो कीवर्ड्स होते हैं, फर्स्ट कीवर्ड इज अ नेम स्पेस एंड सेकेंड इज़ अ यूज कीवर्ड.
जब भी आपने किसी कोड को स्ट्रक्चर करना हो, किसी भी नेम स्पेस के अंदर प्लेस करना हो, देन यू यूज द कीवर्ड नेम स्पेस, जिस तरह के यहाँ पे नेम स्पेस एचटीएमएल लिखा हुआ है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है नेम स्पेस क्रिएशन की, इट शुड बी एट द कोड। इसलिए आपने जो लास्ट टाइम कंट्रोलर की फाइल देखी थी ना, उसमें जब आप नेम स्पेस क्रिएट कर रहे थे तो दैट वॉज द फर्स्ट स्टेटमेंट विद इन द फाइल। अगर आप नीचे प्लेस करेंगे तो बेसिकली ये एरर देगा, ठीक है, कि नेम स्पेस आप अगर आपने क्रिएट करनी है, यू हैव टू प्लेस दैट स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ द कोड, ठीक है। अगर आपने कोई नेम स्पेस यूज करनी है, देन यू हैव टू यूज द कीवर्ड यूज। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम हम जब लैब के अंदर कोड देख रहे तो हम इल्यूमिनेट स्लैश राउटिंग स्लैश राउट इस तरह का एक नेम स्पेस यूज करते थे ना। सो बिफोर दैट वी हैड यूज द यूज कीवर्ड, ठीक है। तो यूज कीवर्ड नेम स्पेसेस यूज करने के लिए होता है, और नेम स्पेसेस के अंदर बेसिकली किसी भी क्लास को स्ट्रक्चर करने के लिए नेम स्पेस का कीवर्ड यूज होता है। और एट द बैक एंड इनका पर्पस ये होता है नेम स्पेसेस का, ये आपके कोड को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और एट द बैक एंड बेसिकली डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ही होता है जिसके ऊपर ये मैप होती है, ठीक है। तो होपफुली ये आपको आइडिया हो गया ये नेम स्पेस, मैं आपको कोड में दिखा चुका हूँ। दिस वॉज द ऊ पार्ट। अब दिस ऊ पार्ट इज एनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द लारावेल, ठीक है। इसके अलावा और जो इंटरफेसेज हैं और ये चीज़ें हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं इसके अंदर, अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है तो आप उनको खुद से जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स जस्ट बेसिकली गो थ्रू अ बिट ऑफ द क्रड ऑपरेशंस इन द लारावेल। अच्छा, जो क्रड ऑपरेशंस का एक्चुअली परफॉर्म करना है, दैट इज़ मोर लाइक अ प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है। वो है प्रैक्टिकली, तो मेरे पास मैंने एक इस आज के लेक्चर के लिए पर्टिकुलरली एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, और वो प्रोजेक्ट था ऑनलाइन फिश मार्केट ना, ठीक है। तो उसके अंदर चारों के चारों जो क्रड ऑपरेशंस हैं वो मैंने परफॉर्म किए हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट एज अ बैकग्राउंड, मैं समझ रहा था कि थोड़ा सा ज़रा आपको मैं स्लाइड से एक बैकग्राउंड दे दूँ लारावेल के अंदर डाटाबेस ऑपरेशन का, फिर मैं उस प्रोजेक्ट को आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह करना है। इसके अलावा जो हमारी लैब है, लैब के अंदर एक हमारा सेपरेट प्रोजेक्ट चल रहा है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, जो हमने लास्ट टाइम एक स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ फाइल के अंदर किया था। तो लैब में एक मैं सेपरेट प्रोजेक्ट लेके चलूंगा, और क्लास के अंदर एक सेपरेट प्रोजेक्ट, ताकि आपको मैक्सिमम जो प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस है या प्रोग्रामिंग के जो सैम्पल्स हैं वो नज़र आ जाए, ताकि आप उसको रिप्लीकेट कर सकें या उसको एक्सटेंड कर सकें फॉर योर ओन प्रोजेक्ट, ठीक है। So this slide is just 5 to 6, this presentation is basically 5 to 6 slide long, 5 or 6 slides in this, which is just background develop related to the project, okay? So let's go through them. First of all, we will see how to set up a MySQL database in the Laravel, okay? Now Laravel, MySQL database, you have installed from the WAMP server. But in Laravel, how is it set up? Or how do you tell it to Laravel? ये MySQL का आपने डेटाबेस यूज़ करना है, और ये उसका यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, और ये इस पोर्ट और इस आईपी एड्रेस पे रन हो रहा है, ठीक है। तो लारावेल को आपने बेसिकली इन वन वे अनदर इन्फॉर्म तो करना है ना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ टू बेसिकली इंटीग्रेट द MySQL डेटाबेस विद इन द लारावेल। सेकेंड इज द क्रड ऑपरेशंस। सो द टर्म क्रड बेसिकली स्टैंड्स फॉर हैज़ गॉट 4 लेटर्स इनसाइड इट, CRUD. C stands for create, R stands for retrieve, U stands for update, and D stands for delete. So these basically 4 operations correspond to 4 queries, 4 SQL queries, queries in SQL. और ये जो SQL की queries हैं, ये आपने पहले ही database operations का जो basically database का जो course था आपका, उसके अंदर आपने देखेंगे, ठीक है, कि आपने queries को किस तरह फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूट करना, सेलेक्ट की क्यूरी का सेंटेक्स क्या होता है, इंसर्ट की क्यूरी का क्या होता है, और इसके अलावा अपडेट और डिलीट की क्यूरी का सेंटेक्स क्या होता है, ठीक है। तो लारावेल के अंदर जब आप क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, तो उसके मल्टीपल मैथड हैं, 3 मैथड हैं इसके अंदर लारावेल आपको देता है। एक तो आप रॉ क्यूरीज लिख सकते हैं। रॉ क्यूरीज किस तरह की क्यूरीज हैं, वो उसी तरह की जो कि आपने सीक्वल के अंदर देखे हैं, एग्जैक्ट सेम सेंटेक्स। तो आपको वो एक फसाद इसके अंदर क्लास है, उसके सेट ऑफ मेथड्स हैं, स्टैटिक मेथड्स हैं उसके अंदर, वो आपको प्रोवाइड करता है। उन मेथड्स के अंदर आप क्यूरीज राइट कर देते हैं,
तो एट द बैक एंड जो क्यूरी का एग्जीक्यूशन है एंड पर्टिकुलर टेबल, वो खुद ब खुद उसको हैंडल करता है, ठीक है। तो रॉ क्यूरीज का जो मेथड होगा ना, दैट इज मोस्ट इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर यू आई अज्यूम, क्योंकि आपको क्यूरीज राइट करना तो आता है ना, ठीक है। तो एक ये मेथड है रॉ क्यूरीज का। सेकेंड इज क्यूरी बिल्डर, क्यूरी बिल्डर। तो इसमें जो रॉ क्यूरी से डिफरेंस है वो ये है कि इसमें सेट ऑफ मेथड है, फॉर एग्जाम्पल वेयर का मैथड है, सेलेक्ट का मैथड है, ठीक है। तो रॉ क्यूरी के अंदर जो आप सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल यूजर्स लिखते हैं, तो इसके अंदर सेलेक्ट का मेथड है जिसके अंदर आप बेसिकली ये क्यूरी राइट कर देंगे प्रोग्रामिंग बेस, ठीक है। तो क्यूरी बिल्डर इन अ वे आपको एक नया सेंटेक्स देता है क्यूरी राइट करने का, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रॉ क्यूरीज, ठीक है। और थर्ड इसके अंदर जो मेथड है दैट इज बेसिकली द एलोकेंट ओ आर एम, एलोकेंट ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। तो जो हमने लास्ट टाइम एक चीज़ डिस्कस की थी माइग्रेशंस, ठीक है। तो जो लारावेल है ये आपको प्रोग्रामिंग से डेटाबेस क्रिएट करना भी हेल्प करता है, डेटाबेस क्रिएशन में भी हेल्प करता है, फिर टेबल्स को क्रिएट करने में, टेबल्स को अपडेट करने में, टेबल को मॉडिफाई करने में। इसके अंदर कमांड्स हैं, जिस तरह आप फॉर एग्जांपल आपके पास कमांड है मेक कंट्रोलर, ठीक है, मेक कंट्रोलर। इसी तरह मेक मॉडल की कमांड है, मेक मॉडल। तो मॉडल क्रिएट करते हैं तो आपके कॉलम्स हैं वो आप माइग्रेशन की कमांड से क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। तो तीन मेथड्स हैं एटलीस्ट लारावेल फ्रेमवर्क के अंदर जो कि आपको डेटाबेस हैंडलिंग में या क्रड ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सो एज अ स्टार्ट वी विल जस्ट फोकस ऑन द रॉ क्यूरीज मेथड, फिर मैं जो फ्यूचर क्लासेस हैं उसके अंदर आपको एलोकेंट ओ आर एम मेथड जो कि माइग्रेशन बेस्ड मेथड है वो भी बता दूंगा, ठीक है। क्यूरी बिल्डर मेथड आप ये भी इतना डिफरेंट डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये आप खुद से भी देख सकते हैं। मैं आपको वेब पेज बता दूंगा जहाँ पे तीनों मेथड जो हैं ये लिस्ट देता हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपने डेटाबेस का कोर्स पढ़ा हुआ है तो आपके लिए रॉ क्यूरीज को अंडरस्टैंड करना आसान है एट दिस पॉइंट, सो दैट्स व्हाई आई विल बेसिकली डूइंग द रॉ क्यूरीज मेथड एंड देन लेटर ऑन स्विचिंग टुवर्ड्स एलोकेंट ओ आर एम मेथड यूजिंग माइग्रेशंस, ठीक है। तो क्रड ऑपरेशन आप इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। देन देयर आर सैम्पल सेट ऑफ सीक्वल क्यूरीज जस्ट फॉर यू टू रिफ्रेश योर माइंड, एंड देन लारावेल डेटाबेस ऑपरेशंस। तो ये जो मैंने आपको अभी थ्री डिफरेंट मेथड्स बताए हैं, यू परफॉर्म लारावेल डेटाबेस ऑपरेशंस यूजिंग दीज थ्री डिफरेंट अप्रोचेज, एंड वी विल जस्ट फोकस ऑन द रॉ मेथड फॉर द टाइम बीइंग। और उसके बाद एक लारावेल का प्रोजेक्ट है ऑनलाइन फिश मार्केट। तो जब भी लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एट दिस पॉइंट हमने सिर्फ मॉडल्स को देखा नहीं अभी तक, सिर्फ हमने व्यूज को, राउट्स को और कंट्रोलर्स को देखा। सो दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली हैंडल्ड यूजिंग थ्री डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। व्यूज इसके अंदर किस तरह जनरेट करेंगे हम, राउट्स इसके अंदर किस तरह डिफाइन करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, और कंट्रोलर्स के अंदर वो कौन सा कोड होगा जो कि कम्युनिकेट करेगा बिटवीन द राउट्स एंड द व्यूज, ठीक है। और फिर एट द बैक एंड डेटाबेस, ठीक है। तो ऑनलाइन फिश मार्केट के अंदर मैंने अज्यूम किया है कि यूज़र को लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद फिश को ऐड करना है, फिश को रिमूव करना है, फिश का डाटा अपडेट करना है, ठीक है। इस काइंड ऑफ एडमिन जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस जो कि क्रड से रिलेटेड हो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो लारावेल के अंदर डेटाबेस को किस तरह सेटअप करते हैं, MySQL। तो बाय डिफॉल्ट जो लारावेल के अंदर सेटिंग्स है ना, दैट आर ऑफ द MySQL डेटाबेस। तो जो डेटाबेस जब भी आप क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो फर्स्ट हमारी लैब थी लैब नंबर 11, उसमें हमने प्रोजेक्ट क्रिएशन का एक कमांड रन की थी, वो कमांड ये थी लारावेल न्यू, और फिर हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड्स का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ठीक है। इसी तरह जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जिस तरह ये आज हम करेंगे, फॉर एग्जांपल जो मैंने किया लारावेल न्यू, और यहाँ पे है ऑनलाइन फिश मार्केट फॉर एग्जांपल। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपके पास फ्रेमवर्क के अंदर एक डाटा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आपको याद होगा मैंने आपको एक फाइल बताई थी, दैट वाज द .env फाइल, एनवायरनमेंट की फाइल थी। इस एनवायरनमेंट की फाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है दैट इज बेसिकली द MySQL डेटाबेस। तो नीचे जो आपको नजर आ रहा है एक स्क्रीनशॉट, ये बेसिकली डॉट एनवायरनमेंट फाइल को जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ओपन करेंगे ना, तो ये उसका डिफॉल्ट व्यू है। मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया, दिस इज अ डिफॉल्ट व्यू। तो इस डिफॉल्ट व्यू में सबसे पहले उसने बताया DB कनेक्शन इज MySQL, ठीक है।
होस्ट नेम जो है वो लोकल होस्ट 127.0.0.1, पोर्ट बाय डिफॉल्ट जो है 3306 ऑफ द डेटाबेस, और जो डेटाबेस का नेम है दैट इज़ ऑनलाइन फिश मार्केट। तो ये जो जिस नाम से आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना उसी नाम से वो डेटाबेस भी क्रिएट कर देगा खुद ब खुद, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट नहीं करेगा बल्कि एक डेटाबेस नेम क्रिएट कर देगा, ठीक है। डेटाबेस तो आपने माइग्रेशन से या खुद जाके मैनुअली क्रिएट करेंगे, MySQL के अंदर डेटाबेस तो आप खुद क्रिएट करेंगे ना, लेकिन उस डेटाबेस का नेम, पॉसिबल नेम क्या हो सकता है, तो वो बेसिकली खुद ब खुद प्लेस कर देगा, दैट इज सिमिलर टू द प्रोजेक्ट नेम, तो यहाँ पे उसने प्लेस कर दिया। और उसके बाद जो आपका MySQL डेटाबेस होता है उसका डिफॉल्ट जो यूज़र नेम होता है दैट इज़ रूट, और उसका डिफॉल्ट पासवर्ड होता है दैट इज़ एंकर, ठीक है। तो ये जो सेटिंग्स हैं आप अगर MySQL डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं ना तो आपको ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेनेवर यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट विद इन द लारावेल बाय यूजिंग द रेलिवेंट कमांड विच इज़ लारावेल न्यू एंड द प्रोजेक्ट नेम, इट क्रिएट्स अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एट द बैकग्राउंड, और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर जो एनवायरनमेंट की फाइल है उसके अंदर ये सेटिंग्स वो बाय डिफॉल्ट प्लेस कर देता है। बट इफ़ यू वुड लाइक टू क्रिएट अ डेटाबेस विद अ डिफरेंट नेम, फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन फिश मार्केट का जो बैकएंड डेटाबेस है उसका आपने फॉर एग्जांपल नाम रखा है फिश मार्केट, ऑनलाइन नहीं रखा, फिश मार्केट डेटाबेस का नेम, देन बेसिकली यू हैव टू कम हेयर एंड एडिट एंड रिमूव दिस वर्ड ऑनलाइन, अगर आप चाहते हैं कि ये आपका डेटाबेस से कनेक्शन हो जाए, ठीक है। अदरवाइज अगर आप प्रोजेक्ट नेम के सिमिलर रखना चाहते हैं यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग विद इन द लारावेल फ्रेमवर्क, ठीक है। सो एनवायरनमेंट की फाइल है। इसके अलावा एक और मैंने आपको फोल्डर बताया था कॉन्फिग का फोल्डर, कॉन्फिग के फोल्डर के अंदर जो फाइल्स होती हैं दे बेसिकली कॉन्फिगर द फाइल्स विद इन द लारावेल फ्रेमवर्क। तो इसके अंदर भी एक फाइल होती है डेटाबेस डॉट पी एच पी, ठीक है। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने आपको डिस्प्ले किया था और अभी गो थ्रू करते हैं इसको, ठीक है। तो आपके पास ये एक आपको वीएल स्टूडियो कोड नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैं सब कुछ डायरेक्टली क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं डॉट ई एन वी जो फाइल आपके पास ये जो इसके ऊपर आता हूँ, तो ये देखें ये वो पार्ट है जिसकी मैंने स्क्रीन शॉट डाल ली है, एंड बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो MySQL के साथ कनेक्शन करता है, होस्ट नेम इसका लोकल होस्ट, पासवर्ड पोर्ट नंबर, डेटाबेस नेम और MySQL का यूजर नेम और पासवर्ड, दिस इज डिफॉल्ट, ठीक है। लेकिन ये जो एनवायरनमेंट है ना ये कहाँ सेट होता है, दिस इज़ विद इन द कॉन्फिग, कॉन्फिग के अंदर डेटाबेस डॉट पी एच पी के अंदर जाएं और आप ऊपर जाएंगे तो आपको एक स्टेटमेंट नज़र आएगी डिफॉल्ट, डिफॉल्ट ऑफ ई एन वी डी बी कनेक्शन MySQL। तो ये बाई डिफॉल्ट जो इन्वायरमेंट फाइल के अंदर डी बी कनेक्शन MySQL है ना उसको बेसिकली ये डिफॉल्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद नीचे डिफरेंट डेटाबेस के ऑप्शंस भी हैं, MySQLite है, MySQL है। अच्छा, जो आप एक आपने से एक स्टूडेंट पूछा था एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कर सकते हैं या नहीं, तो बाय डिफॉल्ट इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको कोई और ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा जो कि लारावेल को कनेक्ट करे विद द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। इसके अलावा PGSQL, SQL सर्वर, ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। सर अगर मैं इनसे कोई यूज़ करना हो तो ये कनेक्शन उठा के डिफॉल्ट वो ENV की फाइल में पेस्ट कर देंगे। हाँ जी, अच्छा, अब ना इसमें एक और विद द चेंज इन वर्जन ना चेंजेस भी आते रहते हैं, मतलब ये जब भी आपने डेटाबेस सेटअप की डिटेल्स देखनी है ना तो आपने ये देखना है कि 8.0 वर्जन में कौन सी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पुराने वर्जन में चीज़ें देखेंगे ना तो उसमें थोड़ा वो चेंजेस करते रहते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको एक ये बताता हूँ कि अगर आप नीचे आएँ यहाँ पे MySQL की जो कंपोनेंट है ना, अब यहाँ पे इसने डेटाबेस URL ये खुद ब खुद पिक करता है उधर से, डी बी होस्ट 127, अच्छा डी बी पोर्ट यहाँ पे 3306 है, लेकिन डेटाबेस जो यूज़र नेम है फॉर्ज है, डेटाबेस नेम फॉर्ज है, ठीक है। अब एट सम पॉइंट ना हमें यहाँ पर भी चेंज करना पड़ता है, लेकिन लारावेल 8 में ना अगर मैं यहाँ पे ना भी चेंज करूँ और सिंपल डॉट ई एन वी फाइल में जाके चेंज कर दूँ सो दैट्स एनफ, तो मुझे यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जब आपका जो क्वेश्चन था कि हमें अगर कोई और डाटाबेस यूज़ करना है तो हमें किस तरह चेंज करना है, तो बेसिकली यू हैव टू गो इन द एनवायरमेंट फाइल एंड यहाँ पे आपने उसकी वैल्यूज को रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे SQL सर्वर लिख दें, यूज़र नेम और पासवर्ड राइट कर दें, डाटाबेस का नेम राइट कर दें और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना मस्ट है एनवायरनमेंट फाइल के अंदर, ठीक है।
तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना। और ये लारावेल 5, लारावेल 6, 7, 8, ये इसके अंदर ना हर एक स्टेप पे ये माइन्यूट सी चेंजेस करते रहते हैं जिससे ना कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो डेफिनेट अगर आंसर आपको चाहिए ना तो आप गूगल में जाएं और उसका उस वर्जन के लिए डेफिनेट सॉल्यूशन गेट करें, रादर देन कि आप एक कोई जेनेरिक सॉल्यूशन बिलीव कर लें और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, ठीक होगा सर। लेकिन जो मैं आपको जिस तरह लेके चल रहा हूँ ना इस कोर्स के अंदर, उसमें आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। आप प्रोजेक्ट क्रिएट करें, ठीक है, और जो प्रोजेक्ट का नेम था उसी नेम से डाटाबेस क्रिएट कर लें इन PHP माई एडमिन और स्टार्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। और ठीक है, एट दिस पॉइंट इन योर प्रोजेक्ट आई वुड से कि आप माइग्रेशंस या मॉडल्स को यूज़ ना करें। आप ये करें कि आप PHP माई एडमिन में जाएं, जिस तरह कि मैंने अभी आपको इंटरफेस दिखाया था, और PHP माई एडमिन में जाके खुद से डाटाबेस क्रिएट कर लें। ठीक है, क्योंकि इससे चीज़ें आपकी ना क्विक हो जाएंगी। अदरवाइज हो गए तो उसको सीखेंगे ना, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपको डेटाबेसिस का, डेटाबेसिस किस तरह के होते हैं क्रिएट करते हैं, फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन का भी आइडिया है, 1NF, 2NF, 3NF। तो आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल जो भी आपका ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है या जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं आपके प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड सबसे पहले आप ये सोचें कि आपके पास फॉर एग्जांपल जो प्रोजेक्ट है उसकी ER डायग्राम क्या बनेगी। ठीक है, ER डायग्राम बनाएं, फिर उससे क्रॉस टेबल्स क्रिएट करें, फिर टेबल्स को नॉर्मलाइज करें। नॉर्मलाइज करने के बाद यहाँ पे आएँ PHP माई एडमिन में, यहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट करें और उसके अंदर जो भी नॉर्मलाइज टेबल्स हैं उनकी एंट्री कर दें, डिटेल्स, यूजर्स। ठीक है, देन यू आर रेडी फॉर द क्लाउड ऑपरेशंस, दैट्स इट, रादर देन गोइंग इनटू द अदर डिटेल्स विच आर क्वाइट ट्रिकी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखेंगे। तो आपने डाटाबेस मैनुअली जाके PHP माई एडमिन में क्रिएट करना एट दिस पॉइंट। यहाँ पे हमने एक जो ENV फाइल थी वहाँ पे तो MySQL सेट हुआ हुआ था, पर आपने यहाँ पे MariaDB सेट किया हुआ था, मतलब उसका खोला हुआ था। हाँ, बाय डिफॉल्ट शेल्स ने MariaDB से रिप्लेस कर दिया। अब जो लारा वाला, इट इज़ पॉसिबल कि MySQL का ही सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, MySQL का ही ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ फॉर द MariaDB एज वेल। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल कि शायद वो एट द बैक एंड, इसको मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये किस तरह पॉसिबल है, क्योंकि मैंने जो क्यूरीज एग्जीक्यूट की हैं वो वर्क करती हैं ना। तो बट हम तो MySQL यूज़ करें ना, लारावेल की जरूरत, सॉरी उसकी जरूरत नहीं ना मारिया की। हाँ, आपके पास जो लेटेस्ट वैम इंस्टॉलर है, अगर उसमें ऑप्शंस है ना, MySQL का भी ऑप्शन है और मारिया का भी ऑप्शन है, दोनों इंस्टॉल कर लें तो आपका MySQL के साथ हो जाएगा, वो बैकएंड पे खुद ब खुद डील कर लेगा इसको। ठीक है, तो आपका ये काम करेगा, इसमें इशू नहीं होगा ऐसे। लेकिन यहाँ पे अभी बात सही है कि ये इसने बाय डिफॉल्ट MariaDB इंस्टॉल किया, तो इट इज़ पॉसिबल कि ये ड्राइवर सेम ही हों MariaDB और MySQL के। तो इसको थोड़ा डिग आउट करना पड़ेगा कि ये एट द बैक एंड इसके फ्रेमवर्क में ऐसी कौन सी फंक्शनलिटी है जो कि इसको इंश्योर कर रही है। ठीक है, तो कमिंग बैक, अच्छा आपके तो 4 o'clock तो हो गए। ठीक है, जस्ट मैं थोड़ा इसको स्लाइड को गो थ्रू कर दूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर इसकी प्रोग्रामिंग आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह मैंने किया। तो MySQL डेटाबेस को सेटअप करना लारावेल के अंदर इशू नहीं है। आप प्रोजेक्ट क्रिएट करें और स्ट्रेट अवे उस प्रोजेक्ट नेम का ही आप डेटाबेस क्रिएट करें और देन वी हैव टू गो अहेड। ठीक है, और MySQL के अंदर डेटाबेस का आपको आइडिया है, इट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स होती हैं। कॉलम्स जो होते हैं बेसिकली दे डिफाइन फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू वन स्पेसिफिक एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या ईमेल, किसी फीचर के क्रॉस रिकॉर्ड को डिफाइन करते हैं, जबकि रोज जो होती हैं किसी एक सिंगल रिकॉर्ड को डिफाइन करती हैं, रिकॉर्ड अबाउट अ सिंगल इंडिविजुअल और एन एंटिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आइडिया हैं। फिर क्राउड ऑपरेशंस क्या है? क्राउड ऑपरेशंस जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, दिस इज़ अ वर्ड विच हैज़ 4 letters इनसाइड इट, इट स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिस्ट्रॉय या डिलीट। और इन ऑपरेशंस के लिए जो आपके पास रिलेशनल डेटाबेसेस में कमांड्स हैं, दीज आर द 4 of commands, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, तो इन द लारावेल वी विल यूजिंग दीज SQL क्यूरीज फॉर परफॉर्मिंग द क्राउड ऑपरेशंस। ठीक है, इसके बाद ये जो क्यूरीज हैं, क्यूरीज का सेंटेक्स आपने पहले भी देखा हुआ है। तो जब आप क्यूरीज को रन करते हैं तो इंसर्ट की क्यूरी में इंसर्ट इन टू टेबल नेम, टेबल नेम स्पेसिफाई करते हैं, फिर उसके बाद कॉलम स्पेसिफाई करते हैं।
कि फॉर एग्जांपल नेम एंड ईमेल और सिटी का कॉलम है, फिर इन कॉलम्स के अंदर आपने वैल्यू का एंटर करनी है, देन यू स्पेसिफाई वैल्यूज, वैल्यू के अंदर आप फॉर एग्जांपल तीन वैल्यूज, तो आपके कॉन्टेक्स्ट में जो अब पीएचपी में करेंगे तो पीएचपी में आपके पास फॉर एग्जांपल कोई पीएचपी वेरिएबल्स होंगे, नेम ठीक है, और उसकी फॉर एग्जांपल ईमेल पीएचपी वेरिएबल और सिटी, ठीक है। तो जब आप इसके वेरिएबल्स को प्लेस कर देंगे तो जो भी वैल्यू आप यूज़र इनपुट से कलेक्ट करेंगे उसको यूजिंग दिस क्यूरी आप डेटाबेस के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है, जिस तरह के आपके पास ये नीचे एग्जांपल है। तो इंसर्ट की क्यूरी, इंसर्ट इनटू और टेबल नेम, देन यू स्पेसिफाई द कॉलम्स एंड देन द वैल्यूज। इस तरह सेलेक्ट की क्यूरी के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन है, सेलेक्ट सारे जब आप करते हैं तो इट सेलेक्ट्स ऑल द कॉलम्स, ठीक है, सारे का सारा, सारे के सारे कॉलम्स और सारे के सारे रोज को सिलेक्ट कर लेता है फ्रॉम दिस रेसिपी टेबल, ठीक है। व्हेन यू स्पेसिफाई द कॉलम्स फॉर एग्जांपल नेम एंड कंटेंट, तो ये सारे के सारे कॉलम्स में से डाटा सेलेक्ट नहीं करेगा बल्कि सिर्फ दो कॉलम का डाटा सेलेक्ट करेगा आउट ऑफ द टेबल। जब आप सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रेसिपी वेयर क्लॉज यूज करेंगे तो फिर वो इस कॉलम नेम की क्रॉस, जो कि नेम कॉलम है इसके क्रॉस, जो आपने वैल्यू स्पेसिफाई की है इसके क्रॉस रिकॉर्ड को रिट्रीव करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास नेम कॉलम के अंदर नेम कॉलम है, ईमेल है, ठीक है, और कोई कंटेंट का कॉलम है, तो आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, तो अब इसमें अगर जेलो रिकॉर्ड है तो जेलो रिकॉर्ड के क्रॉस ईमेल और कंटेंट को रिट्रीव करेगा और आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिर आप ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू ऑर्डरिंग योर रिकॉर्ड, फिर आप लिमिट भी कर सकते हैं, लिमिट जस्ट टू लिमिट द रिकॉर्ड्स, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको व्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने सीक्वल क्यूरीज के अंदर पहले देखी नहीं है, जस्ट रिव्यू, ठीक है। और अपडेट की क्यूरी के अंदर क्या होता है, अपडेट रेसिपी, ये टेबल नेम है, ठीक है, दिस इज़ अ टेबल नेम, तो अपडेट में बेसिकली आप अपडेट की क्लॉज यूज़ करते हैं, फिर टेबल नेम, देन सेट की क्लॉज यूज़ करते हैं, उसके बाद जो आपकी बेसिकली जिस कॉलम की वैल्यू को आपने मॉडिफाई करना हो उस कॉलम का नेम यूज़ करते हैं और उसकी वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये करेगा कि इस टेबल के अंदर जो रेसिपी टेबल है इसके अंदर जो कंटेंट कॉलम है उस सब की जगह ये मिक्स इंग्रेडिएंट्स रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो हम बेसिकली अपडेटेड क्रॉस नॉर्मली वेयर क्लॉज भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने सारे का सारा टेबल तो अपडेट नहीं करना होता ना, हमने किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है तो उसमें किसी रेज नंबर के क्रॉस रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा, देन वी यूज़ द वेयर क्लॉज फॉर दैट पर्पज। और वेयर में नॉर्मली हम जो प्राइमरी की होती है पी के प्राइमरी की वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देखना, डिलीट, डिलीट फ्रॉम बुक बेसिकली डिलीट ऑल रोज, जब आपने किसी क्राइटेरिया के क्रॉस डिलीट करना हो, क्योंकि इट इज़ रेयरली द केस कि आप पूरे का कर दें सारे के सारे टेबल के अंदर से, तो इफ यू डिलीट बेसिकली एनी पर्टिकुलर रिकॉर्ड देन यू स्पेसिफाई द लिमिट, तो वेयर क्लॉज के अंदर आप जो मेंशन करेंगे उसके क्रॉस रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, और लिमिट से आप लिमिट कर सकते हैं डिलीशन को। तो ये हो सकता है कि लास्ट नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू मल्टीपल कॉलम्स के लिए वैजले हो, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड को डिलीट करेगा जिसमें लास्ट नेम जो कॉलम है उसकी वैल्यू वैजले है, ठीक है। इसी तरह नॉर्मली हम ये करते हैं कि जब डिलीशन और अपडेशन का प्रोसेस करते हैं ना, दैट इज़ करस्पॉन्डिंग टू अ प्राइमरी की, प्राइमरी की के अलावा हम डिलीट नहीं करते, क्योंकि जब हम भी हम डिलीट करते हैं दैट इज़ अ टारगेटेड डिलीशन ना, तो प्राइमरी की को यूज़ करते हैं और प्राइमरी की अक्रॉस डाटा को डिलीट करते हैं, ठीक है। देन विद इन द लारावेल डेटाबेस ऑपरेशन अगर आपने परफॉर्म करने हैं तो आपके पास, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एट द स्टार्ट आपके पास थ्री डिफरेंट लोकेशंस हैं विद इन द फ्रेमवर्क डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपने कुछ एंट्री करनी है या आपने कुछ चेंजेस करने हैं। फर्स्ट तो आपने राउट्स के अंदर राउट्स डिफाइन करने हैं क्रड ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, और कुछ इसमें से ऐसे राउट्स होंगे जो कि एड्रेस बार से नेविगेट होंगे और कुछ ऐसे राउट्स होंगे जो कि विद इन द एप्लीकेशन नेविगेट होंगे। फॉर एग्जांपल विद इन द एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो वो इस तरह सिनेरियो होगा कि आपके पास जो हमारा ऑनलाइन फ़िश मार्केट है उसमें एक टेबल है, उस टेबल के अंदर आपके पास फ़िशेस का डाटा है। फॉर एग्जांपल ये आईडी है, आईडी का कॉलम है, फ़िश नेम है, एफ नेम, फिर फ़िश का वेट है, एडिट का एक कॉलम है जिसके अंदर एडिट हमने लिखा हुआ जस्ट टू एडिट दिस डाटा,
इस रो का एडिट डाटा एडिट करना हो, अपडेट करना हो, फिर आपके पास डिलीट का कॉलम है, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस रो का डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो जब आप एडिट या डिलीट हाइपर लिंक्स पे क्रिएट क्लिक करेंगे, सो इन दैट कंटेक्स्ट बेसिकली जो आपका यू आर एल जनरेट होगा दैट इज जनरेटेड फ्रॉम विद इन द सिस्टम, आप एड्रेस बार से खुद ब खुद यू आर एल को प्लेस नहीं कर रहे, ठीक है। होपफुली आपको मेरी समझ आ रही है बात की ना। तो राउट्स जो होते हैं ना, राउट्स एक तो राउट्स वो हैं जो कि आप एड्रेस बार के अंदर ब्राउजर के अंदर प्लेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह बाई डिफॉल्ट 127.0.0.1/8000, अब ये एक डिफॉल्ट राउट है, ठीक है। तो इसके लिए हमने लास्ट टाइम राउट देखा था कि राउट के अंदर आपके पास जो राउट का मेथड होता है राउट डबल कॉलन गेट, उसके बाद एक स्लैश थी जो कि हम कह रहे थे कि दिस इज़ अ डिफॉल्ट राउट जो कि रूट को डिफाइन करता है, उसके बाद एक हमने व्यू डिफाइन किया था और व्यू के अंदर हमने रिटर्न कर दिया था इंडेक्स पेज को, इंडेक्स व्यू को, ठीक है। लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ पे डिफॉल्ट राउट के अलावा और राउट्स हों, फॉर एग्जांपल आप कहें कि नहीं इंडेक्स पेज रिटर्न करो या सर्च पेज रिटर्न करो। सो वन ऑफ द सिनेरियो इज़ के यू बेसिकली प्रोवाइड द राउट और यू आर एल फ्रॉम द एड्रेस बार, लेकिन वेब एप्लीकेशन के कंटेक्स्ट में इस तरह के भी सिनेरियोज होते हैं जिसमें आप यू आर एल जनरेट करते हैं फ्रॉम विद इन द वेब एप्लीकेशन। उसमें किस तरह होता है, जब आप यहाँ पे डिलीट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपने फिश का डाटा डिलीट करना है और इस आईडी भी स्पेसिफाइड है, उसका फिश का नेम भी है, तो आपने सिर्फ इस रो को डिलीट करना है। तो यहाँ से एक नया यूआरएल जनरेट होगा जो कि इस आईडी को पिक करेगा और इसके क्रॉस क्रॉड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो आपने बेसिकली राउट के अंदर ना सिर्फ ऐसे राउट जो कि ब्राउजर के अंदर से आपको नेविगेट होंगे बल्कि विद इन द सिस्टम जो नेविगेट होंगे उनको भी हैंडल करना है, ठीक है। तो नीचे आपके पास जो एक राउट की एग्जांपल है, दिस इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, इसमें राउट ऑफ गेट, ठीक है, राउट क्लास के अंदर से गेट मेथड को कॉल किया और उसके अंदर हमने पहले स्पेसिफाई किया कि यूआरएल क्या है, यूआरएल स्लैश इंडेक्स, तो ये किसके क्रॉस मैप है, फॉर एग्जांपल 127.0.0.1:8000/index। तो जब आप अपने एड्रेस बार के अंदर स्लैश इंडेक्स भी टाइप करेंगे आफ्टर द डिफॉल्ट राउट तो ये इस राउट पे आ जाएगा स्लैश इंडेक्स और इसके क्रॉस इस कंट्रोलर को कॉल करेगा जिसके अंदर व्यू का डाटा है, व्यू को एक्सेस करने का डाटा है। तो आपके कंट्रोलर्स कहाँ डिफाइंड होते हैं, ऐप HTTP कंट्रोलर्स, उसके अंदर एक कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर क्लास है, उसके अंदर जो मैथड है दैट इज़ इंडेक्स मैथड, तो ये इंडेक्स के मैथड को कॉल करेगा विद इन द यूज़र कंट्रोलर क्लास और वहाँ से व्यू को कॉल करेगा और व्यू बेसिकली आपको इस इंडेक्स पेज का HTML रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये राउट्स के अंदर हम मल्टीपल राउट्स डिफाइन करेंगे फॉर दिस प्रोजेक्ट और कंट्रोलर के अंदर, तो ये ऊपर जो आपने राउट डिफाइन किया राउट के अंदर यूज़र कंट्रोलर की क्लास है, ठीक है। तो यूज़र कंट्रोलर की जो क्लास है उसके अंदर आपके पास इंडेक्स का मैथड है जिसकी डेफिनेशन नीचे डिफाइंड है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन इंडेक्स रिटर्न व्यू, स्ट्रेट अवे हम व्यू को रिटर्न कर रहे हैं और व्यू का क्या नेम है इंडेक्स, ठीक है। और ये इंडेक्स व्यू कहाँ डिफाइंड है, इन द व्यू फोल्डर जो कि थर्ड पॉइंट पे डिस्क्राइब है, और इस व्यू फोल्डर के अंदर क्या है इंडेक्स फोल्डर, सॉरी व्यू फोल्डर की जो इंडेक्स व्यू है इसके अंदर क्या है, एक आपके पास HTML है, ठीक है, और एक PHP का टैग है जो कि एको कर रहा है हेलो वर्ल्ड इन पैराग्राफ टैग्स, दैट्स इट। इसके अलावा आपके पास एक दो हाइपर लिंक्स हैं, ठीक है, एंकर टैग्स और फिर एक बॉडी का टैग और फिर HTML का टैग। तो बेसिकली राउट से आपने नेविगेट किया कंट्रोलर को, कंट्रोलर से आपने नेविगेट किया व्यू को, और ये जो व्यू है इसकी इसका नेम क्या होगा, इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। तो ये जो आपके पास व्यू HTML नज़र आ रही है दिस इज़ विद इन अ फाइल विद द नेम इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP, और इसके अंदर आप नॉर्मल PHP कोड भी प्लेस कर सकते हैं जिस तरह कि मैंने ये नीचे आपको एको स्टेटमेंट डिस्प्ले की हुई है, ठीक है, एको स्टेटमेंट विद इन द PHP स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग्स जो कि मैंने अभी आपको अभी भी दिखाया ऊप के अंदर भी और लास्ट फ्राइडे को भी इसका कोड दिखाया था जो जिसमें हम एको की स्टेटमेंट प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे थे, ठीक है, या फिर आप इसका टेम्पलेटिंग लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया ना फिश मार्केट का, दिस बेसिकली दिस हैंडल्स ओनली द प्लेन PHP, लेकिन जब हम लैब में करेंगे तो लैब में मैं आपको टेम्पलेटिंग लैंग्वेज के अंदर किस तरह व्यूज के अंदर टेम्पलेटिंग लैंग्वेज को किस तरह इंटीग्रेट करते हैं वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास दो हाइपर लिंक्स हैं यूजिंग द एंकर टैग जो कि दो डिफरेंट राउट्स लॉगिन और रजिस्टर को मूव कर रहे हैं।
तो ये जो बेसिकली लॉगिन राउट है दिस इज नॉट जनरेटेड फ्रॉम द यूआरएल, ये आपने एड्रेस बार से जनरेट नहीं किया, ये आपने विद इन द सिस्टम जनरेट किया, ठीक है। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू लॉग इन, तो ये खुद ब खुद राउट फाइल के अंदर जाएगा, और राउट फाइल के अंदर जाने के बाद ठीक है यहाँ पे आएगा, और इसके अंदर ऐसा राउट फाइंड करेगा जिसमें आपने स्लैश इंडेक्स नहीं लिखा होगा, स्लैश लॉग इन लिखा होगा। तो लॉग इन के बाद जो आपने कंट्रोलर डिफाइन किया होगा फिर उस कंट्रोलर के अंदर चला जाएगा, फिर वहाँ से व्यू जनरेट करेगा, फिर उस व्यू के अंदर से फॉर एग्जाम्पल अगेन राउट के अंदर जाएंगे। तो आपका जो एक सीक्वेंस होता है ना फ्लो का विद इन द फ्रेमवर्क लारावेल फ्रेमवर्क, वो यही है कि आपकी सबसे पहले रिक्वेस्ट राउट के अंदर आती है, फिर कंट्रोलर के अंदर आती है, फिर व्यू के अंदर आती है। और अगर कंट्रोलर जो है वो डेटाबेस क्यूरीज परफॉर्म कर रहा है खुद से, तो कंट्रोलर के अंदर ये जो रिटर्न व्यू इंडेक्स है यहाँ पे डेटाबेस क्यूरीज भी होंगी, क्यूरीज रिटर्न होगी और व्यू रिटर्न होगा, फिर व्यू से आप दोबारा राउट की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से कंट्रोलर आएंगे, कंट्रोलर की तरफ आएंगे, कंट्रोलर के अंदर आपके पास हो सकता है डीबी क्यूरीज हो, फिर वहाँ से आप व्यू की तरफ आएंगे। तो दिस इज द सीक्वेंस, फ्लो सीक्वेंस ऑफ द लारावेल डेटाबेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंड करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल बताऊंगा ये किस तरह करना है, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी